हेलो एवरीबॉडी, द सिलेक्शन कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके को कवर करने वाले हैं जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एज ए क्रॉस क्रैश कोर्स उसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे टिल आपका एग्जाम नहीं हो जाते। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा असल में किसका हिस्सा था, कैसे बना, कब बना था, कौन कौन से आयोग आए जिनके तहत हरियाणा को बनाया गया। देखो 1857 की क्रांति के बारे में सभी को पता है। ठीक, 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, झांसी की रानी, वो एक कारतूस वाला मंगल पांडे अपनी मूवी अगर याद है तो। ठीक है, 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई तब से। 1858 के अंदर अंग्रेज़ों ने क्या किया, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। हरियाणा को पंजाब में मिलाया, उसके बाद से लेकर के 1947 तक कोई इशू नहीं उठा, चलता रहा, लेकिन दंगे होते रहे भाषा को लेकर के। 1947 के अंदर पहला आयोग आता आपका, 1947 में पहली बार उठता है प्रताप सिंह कैरो कमेटी, इसके तहत हरियाणा को पंजाब से अलग करने की सिफारिश की गई थी 1947 के बाद। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके बाद क्या आता है 1949 के अंदर सच्चर फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला है, याद रखना फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला किस बेस पे होता है, फॉर्मूला था आपका भाषा। यहाँ पे फॉर्मूले का मतलब क्या है कि पंजाब पूरा एरिया था उसको भाषा के आधार पे बांट दिया, दो हिस्सों में बांटा गया भाषा के आधार पे, सिर्फ भाषा के आधार पे बांटा है, क्षेत्र बना दिए, एक तो पंजाबी और हिंदी। ठीक है, ये दो आपके क्षेत्र बना दिए गए, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। और ये 70 फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, क्या था ये, भीमसेन सच्चर के द्वारा। देखो नाम के अंदर ही आपका फॉर्मूले का आंसर छुपा है, सच्चर। ठीक, इसके बाद 1949 से आगे बढ़ते हैं तो 1953 में क्या आता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1953 में फजल आयोग, और ये किसके द्वारा, सैयद फजल के द्वारा। सैयद फजल अली के द्वारा। अब देखो 1953 के अंदर ये आया फजल आयोग, इस टाइम पे तो ये तैयार किया गया था, इसकी सिफारिश की गई, लेकिन 55 के अंदर इसको 1955 के इसके अंदर इस आयोग को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। और इसी आयोग के प्रस्तुत होते ही 1955 अप्रैल में प्रस्तुत होते ही एक सीमा आयोग तैयार हो गया। यहाँ से क्या हुआ कि बात चलनी स्टार्ट होगी कि चलो ठीक है, 1947 के अंदर बात चली, प्रताप सिंह कैरो ने कहा कि पंजाब को हरियाणा से अलग क्यों करो, ठीक है, भाषा के आधार पर मतभेद होने लगे, दंगे होने लगे। 55 तक चला, प्रस्तुत करते ही मान ली गई ये बात, चलो ठीक है करते हैं। सीमा आयोग कब आया, 1955 के अंदर, और कहाँ आया था, प्रस्तुत कहाँ किया गया था, ये रोहतक में, सीमा आयोग रोहतक में आया 1955 के अंदर अप्रैल के अंदर। उसके बाद चलते हैं 1956 में क्या आता है, क्षेत्रीय फॉर्मूला। इसके तहत क्या होता है, क्षेत्रीय फॉर्मूला के तहत इसमें पंजाबी क्षेत्र जो भी, ये भाषा के आधार पे पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र बनाया गया था ना, तो इस क्षेत्र के आधार पे देखो वो क्या था, सच्चर फॉर्मूला है, उसमें भाषा के आधार पे दो हिस्से बना दिए, लेकिन वहाँ पे हरियाणा और पंजाब नहीं बनाए, सिर्फ क्षेत्र बनाए। यहाँ पे क्या गया, जो पंजाबी क्षेत्र था उसको तो बोला गया पंजाब, और जो आपका हिंदी क्षेत्र था उसको बोला गया हरियाणा। ये क्या है आपका, क्षेत्रीय फॉर्मूला। ठीक है, और इसी टाइम पे हरियाणा क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष, इसी टाइम की बात करें 56 के टाइम पे कौन थे, हरियाणा क्षेत्र समिति के अध्यक्ष आपके थे बलवंत राय। इसी टाइम की बात कर रहा हूँ जब हिंदी क्षेत्र को हरियाणा बोला गया, उस टाइम पे कौन थे आपके, बलवंत राय। ये तो हरियाणा की बात से होगी, और पंजाब के साइड से कौन से हो गए आपके, तारा सिंह
ये आपके पंजाब क्षेत्र की तरफ से थे और हिंदी क्षेत्र की तरफ से बलवंत राय। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, ठीक है। देखो 56 तक बात पहुँची, उसके बाद करते हैं 1965 में, ये चलता रहा कई सालों तक, चलती रही। 1965 के अंदर अपने लोकसभा के अध्यक्ष थे हरियाणा से, ये पंजाब से लोकसभा के अध्यक्ष थे हुकम सिंह, सरदार हुकम सिंह कहते हैं इनको, हुकम सिंह। इनकी सिफारिश पे, हुकम सिंह की सिफारिश, ये थे कि असल के अंदर ये एमपी थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे, आपको लोकसभा अध्यक्ष थे एमपी हुकम सिंह। हुकम सिंह ने क्या किया, एक जे सी शाह आयोग की सिफारिश की थी। ध्यान रखना, हुकम सिंह ने इसकी सिफारिश की थी। इसके अंदर जे सी शाह आयोग होता है, कमेटी टाइप होता है, इसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे, वो डिसाइड करेंगे किस तरह से चीज़ों को अलग अलग करना है, ठीक। देखो जे सी शाह आयोग कब तैयार किया गया था, कब बना था ये, 1965 के अंदर जे सी शाह आयोग। इसके अंदर मेंबर कौन थे, जे सी शाह खुद ये जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे आपके जे सी शाह आयोग, जे सी शाह, ठीक है। एम एम फिलिप, एस दत्त को संजय दत्त से याद रखना, संजय दत्त, एस दत्त, ठीक है। ये आपके जे सी शाह आयोग के मेंबर थे, ठीक है। उसके बाद देखो 65 तक ये चला, 65 के बाद 66 को 1966 में पंजाब पुनर्गठन आयोग, पंजाब पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, और इसके तहत आयोग, सॉरी पंजाब पुनर्गठन आयोग, इसके तहत एक एक्ट तैयार किया गया। जो भी चीज़ नई तैयार होती है, अब ये आयोग समिति बनाई गई एक टाइप की, और इसी समिति, इस समिति के आधार पे, समिति का फाइनल जो डिसीजन था उसके हिसाब से पंजाब पुनर्गठन एक्ट एक्ट पारित किया गया। अब ये पंजाब पुनर्गठन एक्ट क्यों है भाई, हरियाणा अलग करें, हरियाणा का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि असल में क्या था, पंजाब का हिस्सा था, उसके बाद हरियाणा बनता है, तो पंजाब को चेंज किया जा रहा था, तो इसलिए इसका पंजाब पुनर्गठन एक्ट नाम दिया गया। कब थे, 1966 को, और ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया, और इसी दिन हरियाणा दिवस भी मनाया जाता है। हरियाणा दिवस कब, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। और देखो ये अलग होते ही सबसे पहला काम क्या हुआ, देखो इतना आसान नहीं होता बिल्कुल किसी एक राज्य को नया तैयार करना, उसकी विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चुनाव कराने, विधानसभा परिषद होगी, सीटें कितनी होगी, ये सब चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है। जब ये हरियाणा बना था उसी टाइम पे गवर्नर, राज्यपाल कौन बनाया गया था, जिसको हम हरियाणा का पहला राज्यपाल बोलते हैं, धर्मवीर, श्री धर्मवीर को हरियाणा का पहला राज्यपाल बनाया गया। सरकार किसकी थी इस टाइम पे, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने किसको अपना सीएम चुना, पंडित भगवत दयाल शर्मा। सीएम को किसको चुना, अपना नेता पंडित भगवत दयाल शर्मा, इनको अपना नेता के रूप में कांग्रेस ने चुना, सीएम बनाया गया, ठीक। ठीक है, कट कर राजू।